इस साल नवंबर माह में हिमाचल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में हर जिला कलेक्टर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बीवीटी मशीन के वेयर हाउस का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि ईवीएम मशीनों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जा सके। इसी के चलते बिलासपुर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट मशीन के भंडारण घर का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग, बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर, झंडूता से विधायक जे आर कटवाल व राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ जो बिलासपुर में ईवीएम मशीन्स के लिए उसके रखरखाव के लिए एक भव्य बिल्डिंग का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया और जिसके कारण इलेक्शन के संचालन के लिए इसका बहुत बड़ा उपयोग जो है वो साबित होने वाला है। सामान्यतः चुनावों के बाद और पहले ईवीएम मशीन्स को कहीं ना कहीं रखना पड़ता है और उसको अलग अलग जगहों पर रखना पड़ता है, जिसके कारण उनकी सुरक्षा के ऊपर भी खतरा रहता है। यहाँ एक स्थान पर सारी ईवीएम मशीन्स होंगी और जो कुछ मशीनें खराब हो जाती हैं उनके रखरखाव के लिए भी यहाँ अलग से एक फ्लोर बनाया गया है। यहाँ से अगर उनको बाहर कहीं ठीक भिजवाना करने के लिए भिजवाना है तो यहाँ से जाएगी। इसलिए कुल मिलाकर हमारी सरकार लगातार हर क्षेत्र में केंद्र सरकार के सहयोग से और प्रदेश सरकार के अपने प्रयत्नों से मिलकर जो है इस प्रकार नए नए आयाम स्थापित कर रही है और निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है इस प्रकार लगातार हिमाचल को शिखर की ओर ले जाने के लिए लगातार